तो मेघना जी, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ डिफेंस, और स्पेशली वुमेन सेल्फ डिफेंस। तो आपके हिसाब से सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या है? अभी आजकल लड़कियां बाहर निकलती है, खुद पढ़ने जाती है, बहुत सारे करियर ऑप्शन चूज करती है, करियर के पीछे जाती है, तो सेल्फ डिफेंस आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। आदमी के साथ या उसके साथ कंधे से कंधे मिला के चलना है तो अपनी खुद की सुरक्षा करना, अपनी खुद के सम्मान की सुरक्षा करना आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। मैं खुद एक SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हूँ, तो वो वुमेंस यूनिवर्सिटी है, पिछले 17 साल से मैं वहाँ पे लेक्चरर हूँ। तो वहाँ पे जब मैं लड़कियों को देखती हूँ, कहाँ कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी कभी कभी बहुत सोशल बैरियर्स होती है, बहुत फाइनेंशियल बैरियर्स होती है, अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम्स होती है, बट फिर भी उनको लड़ना है, उनको कुछ बनना है, सीखने आती है, सीख के चली जाती है, फील्ड में काम करने निकलती है। तो हर एक स्टेज पे उनका मुकाबला ऐसे लोगों से होता है कि जहाँ पे उनको खुद को प्रूव करना होता है। तो ऐसे भी लोगों से होता है जो उनको डीमोटिवेट करते रहते हैं या उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो सेल्फ डिफेंस ज़रूरी नहीं है कि खाली फिजिकली होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो अपने को इमोशनली मेंटली भी स्ट्रांग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक हम यूजुअली एक एंगल से देखते हैं कि फिजिकली अपने को कराटे आना चाहिए या कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए, बट मुझे लगता है आज लड़कियों को होलिस्टिकली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हर वे से उनको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, तो ही सेल्फ डिफेंस काम करेगा। Have you ever met with a situation like where you would have thought that self-defense aata to acha hota? Not really, but I think I can't tell about the future, so I don't want to. Sir, aapne kabhi koi aisa incident dekha hai jahan pe kisi aurat ne khud ko protect karne ke liye kuch kiya hai self-defense? Actually, main Hinduja hospital mein kaam karta hu, wahan se main ja raha tha city light maar ke. लड़का ऐसे ही बदतमीजी कर रहा था लड़की से, जो बहुत प्यार से पहले समझ आया लोग, वो भी तो वो थोड़ा और कर रहा था, तो भी मैंने देख रहा था उसने जो तो तमाचा मार दिया था, उसको पावर भी थी उसकी, मतलब ऐसे स्ट्रांग थी ऐसे, तो लड़का थोड़ा लिखा है, तो फिर तब वो देखा था मैंने। एंटी सोशल एलिमेंट से आपका सामना हो गया तो अगर आपको सेल्फ डिफेंस नहीं आ रहा है और आपको उसका अवेयरनेस नहीं है तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो सेल्फ डिफेंस में एक्चुअली अभी मोबाइल सबके पास रहता है, तो उसके थ्रू आप काफ़ी लोगों को कांटेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं, तो वो सब है, लेकिन स्पर ऑफ द मोमेंट में आपको आना चाहिए सेल्फ डिफेंस करना। और मेंटली भी, जैसे इसने बताया कि मेंटली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर आप ऐसे सिचुएशन में आके आप पैनिक हो सकते हो।